तो पिछली वीडियो में हमने गुरु प्रसादम के बारे में बात की थी और बहुत से लोगों ने हमें बहुत सारे कमेंट किए थे। और अब मैं आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ, गुरु प्रसादम का ही है वो प्रोडक्ट। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पिछली वीडियो मैंने इस गुरु प्रसादम के बारे में बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, उस कमेंट का मैंने रिप्लाई भी किया था। और अब मैं इस गुरु प्रसादम के सिरप के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, जिन लोगों को सांस लोग चल नहीं पाते, थोड़ा सा चलने पर ही उनको सांस बहुत फूलने लग जाती है, जो लोग नहीं चढ़ सकते, अपनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या फिर कहीं बाहर जाते हैं वहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते इतना, क्योंकि आपकी सांस फूलने लग जाती है, किसी से बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद भी आपको सांस धीरे धीरे चढ़ने लग जाती है। तो ये सिर्फ आप जैसे जैसे पियोगे वैसे ही आपके सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ती है। जैसे जैसे जिन लोगों को पोल्यूशन से प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको तो पता ही है, पोल्यूशन से जैसे कि मिट्टी से प्रॉब्लम होती है, आप डस्टिंग करते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसके लिए भी आपको ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और हम जैसे ट्रैवल करते हैं, हमें ट्रैवल नहीं होता, तो इस वजह से भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि इस टाइम में किसान ट्रालियाँ वगैरह साड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और कोई फैक्ट्रियों में बहुत धुआं होता है, धुएं के कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। इसलिए वो भी लोग इनको यूज़ कर सकते हैं जिनको धुएं से प्रॉब्लम है, जिनको परालियों से प्रॉब्लम हो रही है, आग के धुएं से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं, हम पटाखों के धुएं से भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग तो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उनको इसी वजह से प्रॉब्लम होती है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो वो लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, तो लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि जो हमें खुद को नहीं पता चलता कि पोल्यूशन के कारण ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सिर्फ उसी के लिए काम आता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उन लोगों के लिए जिन लोगों को पोल्यूशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो लोग हमेशा अपने आप को कवर करके रखते हैं, कवर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो सांस लेने में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये सिर्फ आपको अडल्ट को, बच्चों को एक चम्मच देना है और अडल्ट को दो चम्मच देना है। अगर आप इसको रोज़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, सिरप का यूज़ करोगे, रोज़ाना यूज़ करोगे, डेली दो चम्मच लोगे, बच्चों को एक चम्मच दोगे, तो आपकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम जल्दी ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और खाना खाने के बाद आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नींबू, गुड़, तुलसी, शहद का सेवन करोगे, घोल के पियोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। जिनको सांस फूलती है, जिनको पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। इस सिरप को यूज़ करने के बाद आपको गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, गर्म पानी से आपकी सारी जो होती है डस्टिंग वगैरह सारी धीरे धीरे निकल जाती है और जो भी आपको दिक्कत होगी इस सिरप से आपको ठीक हो जाएगी। लोगों से खुलकर बात भी करोगे और खुलकर आप कहीं पे भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, या भी आप दौड़कर चढ़ सकते हो, और चलने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चलने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे आप एकदम अच्छे हो जाओगे, एकदम फिट हो जाओगे। इसलिए आपको इस सिरम का यूज़ जरूर करना चाहिए। अब सिरप का यूज़ किया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, आपको जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट को लाती रहूँगी और आपके कमेंट के रिप्लाई भी मैं देती रहूँगी। थैंक यू।